लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 में मतदान कार्मिकों को डाक मत पत्र और ईडीसी के माध्यम से मतदान करने की सुविधा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई है, जिसके तहत गोरखपुर जनपद के दो लोकसभा क्षेत्र सदर और बांसगांव के चुनाव ड्यूटी में लगाए गए लगभग 15,000 कार्मिकों अपने मतों का प्रयोग 9 से 15 मई तक गोरखपुर विश्वविद्यालय के कन्वेंशन परिसर में लगाए गए विधानसभावार मतदाता सुविधा केंद्र पर कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने कहा, जी गोरखपुर हम लोग आप जानते हैं 19 तारीख का चुनाव है गोरखपुर और बांसगांव सांसदीय क्षेत्र का, उसका ट्रेनिंग हम लोग प्रारंभ किए। ट्रेनिंग के साथ साथ जो कितने जो कर्मचारी लोग चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे उनका भी वोट देने के लिए मौका दे रहे हैं। आज से जो फेडरेशन सेंटर के माध्यम से यहाँ का इसी सांसदीय क्षेत्र का यानी गोरखपुर नहीं तो बांसगांव का वोटर होते हैं तो उन लोग आकर के आराम से वोट दे सकते हैं। यदि उन लोग का चुनाव ड्यूटी में रहते तो फिर ईडीसी होता है इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, उसके माध्यम से जो कौन सी बूथ में उन लोग काम करते हैं वहाँ भी वोट दे सकते हैं। इसमें जो कितने लोग चुनाव में इन्वॉल्वड है, वैसे होमगार्ड है मेरा और पुलिस पर्सनल है, ड्राइवर है, क्लीनर है, फोर्थ क्लास है, सबको हम मौका देते हैं 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक उन लोग जो उनका चुनाव का ड्यूटी और एक पहचान पत्र और वोटर स्लिप ले आकर के उन लोग आराम से वोट दे सकते हैं, उसका सुविधा हम लोग दे रखा है। ट्रेनिंग भी चल रहा है। इस पर हम लोग को टोटल 15,000 के आसपास कर्मचारी सीधे इन्वॉल्व है, इनडायरेक्टली और 5,000-10,000 कर्मचारी होंगे ना, लगभग 20,000 कर्मचारी हम लोग चुनाव में काम में जो शामिल है उन लोगों को हम मौका दे रहे हैं उस पर।